हमारा टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने अफगानिस्तान पे बात करनी है और अफगानिस्तान पे एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ हो रहा है और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इंटरव्यू जिसने पूरी दुनिया में थरथली मचाई हुई है, एब्सोल्युटली नॉट वाला, उसका मैंने सुना। वो भी ज़ाहिर है कि रिलेट कर रहा था अफगानिस्तान के साथ। फिर हमने अभी देखा है कि लिंडसी ग्राहम जो सेनेटर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनेटर, आपको मालूम है रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी जो से है वो दोनों अक्रॉस द आइल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका एक रोल है। उन्होंने ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात की है, स्टनिंग का लफ्ज़ किया है, कि ये बहुत स्टनिंग बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अमरीका ने कोई रबता नहीं किया ड्रॉ डाउन के दौरान और पुल आउट, जो ट्रूप पुल आउट हो रहा है उस हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमरीका ने क्यों नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि अशरफ गनी अब्दुल्ला अब्दुल्ला इस फ्राइडे को उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, क्यों मुलाकात हो रही है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वहां पे। ऑलरेडी अमेरिका ने तो कह दिया है कि हम आपकी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन तमाम किस्म की मदद करेंगे, सिवाय इसके कि पाकिस्तान बैशिंग करेंगे या पाकिस्तान की स्केप गोटिंग करने के अलावा और क्या करेंगे वहां पे, ये भी पूछना है हमने। और फिर यह है कि साथ साथ वो भी स्केप गोटिंग के अलावा वुमेन और गर्ल एजुकेशन का भी एक बहाना बनाएंगे कि जी वहां पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर क्या वो वापस भी आएंगे कि नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो वापस ही शायद नहीं आएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो इंटरप्रेटर्स की है, जो कि कोई तकरीबन 20,000 के करीब फैमिलीज हैं, तो टोटल मिला के कुछ 70,000 वीजा का प्रॉब्लम बना हुआ है जिन्होंने वहां से भागना है। तो ये सारी चीजें जो है इनका आज हमने तजिया करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस वाले से क्या सोचती हैं। हसब मामूल आमिना खान साहिबा, और आमिना जो है ये कादियान यूनिवर्सिटी की हमारी कॉलीग हैं और साथ साथ जो ISSS है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसमें ये अफ्रीका सेंटर के भी सरबरा हैं और अफगानिस्तान के भी ये माहिर अफगानिस्तान और पता नहीं क्या क्या है। तो आमना थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, आई एम गुड। आमना, एक तो अफगानिस्तान के बारे में जरा थोड़ा सा शुरू में ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी आपको पता है किस तरीके से तालिबान के एडवांसेस हो रहे हैं, इन इन सूरत हाल के दौरान प्रेसिडेंट अशरफ गनी का वहाँ पे जाना अमेरिका में और साथ अब्दुल्ला अब्दुल्ला का भी जाना, तो ये पूरी सिचुएशन को आप जरा मुझे 360 व्यू दे दें तो लोगों को जरा आसानी हो जाएगी। ये मुश्किल काम है बिकॉज जैसे आपने कहा बहुत कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में और बहुत तेजी से हो रहा है। फर्स्ट लेट्स बिगिन, ये जो अमेरिकन्स ने एकदम ये जो एग्जिट भी है इंस्टेड ऑफ सितंबर दे पुशिंग इट फॉर जुलाई, तो रीजन में भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। डे वन से सबका ये था कि इट शुड बी अ मेजर्ड एंड अ रिस्पॉन्सिबल विथड्रॉल और एक हैपहैज़र्ड और एक स्पीडी मैनर में ना जाए, बिकॉज अगर आप देख लें अफगानिस्तान में नथिंग हैज बीन अचीव्ड। अगर आप देख लें पिछले 20 सालों में मोर सो आप देख रहे कि तालिबान मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया Taliban already they have retaken. So these are alarming figures and it's an alarming situation. Upar se jo President Ghani hai aur baar baar keh raha hai ki I am the legitimate elected government, lekin Taliban unko nahi manta. And with all this you've got the Daesh also over there, then you've got NATO jo utni hi tezi se nikalna chahta hai jaise the Americans are. So it's complete, matlab the ingredients are there for a complete situation where there'll be chaos and more so for the regional countries. Pakistan is very concerned. Acha, on top of that you're having simultaneous processes regarding the peace process, lekin wo bhi kitne nahi ja raha. So basically the situation is it's extremely fragile, it's extremely complex, and there are chances of a complete and utter chaos within so in this case do you agree with Senator Lindsey Graham ki ye disastrous situation jo hai in the making hai? Ji, I mean all the ingredients are there and you can see it is happening, it's unfolding. The fact that violence level has increased
you know, to such an extent that the Taliban are taking over districts. And wo bar bar keh rahe hain ki the Taliban are, you know, going to take over Kabul. The Taliban don't need to take over Kabul to show their strength and their influence. Kabul is not, you know, the main issue or the factor. Agar aap dekhe, the Taliban in their previous, kya kehte hain, insurgency would move from the south. Now they're moving from the north. So they're very cleverly taking over. And uske alawa bhi, I feel that the Americans, what do they have been extremely careless on this situation. Dekhi ji, at the end of the day, the Americans signed the agreement with the Taliban. Theek hai? And they did legitimize them. Yes, Pakistan played a role, but we weren't signatory to the agreement. Therefore, I feel that the Americans, the owners should become the Americans, and the Americans have a responsibility. Ki theek hai, agar aapne jana bhi hai, beshak jaye, lekin aap jaye in such a situation where there is some semblance of stability in Afghanistan. And agar aap khud dekh rahe, parallel governments chal rahe hain, aur abhi warlords ka bhi issue hai, then you've got Atta Muhammad Noor, unne ek nationalization front khol di hai. So there are parallel organizations, parallel systems. It is just complete, I mean, chaos. It's just a matter of time. तो ये जो अभी आपने बताया कि ये डिजास्टर जो है वो इन द मेकिंग है, तो अभी इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जाके क्या कहेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन से, क्या उनसे मांगेंगे, क्या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? देखिए जी, the Afghans get very upset जब हम कमेंट करते हैं ऑन देयर इंटरनल अफेयर्स, बट आप खुद देख लीजिए कि प्रेसिडेंट गनी एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला वर नॉट इवन एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, जो उनका नाम था. देयर वाज नो यूनिटी. अगर प्रेसिडेंट, यू नो, गनी किसी को अपॉइंट करता था, यू नो, इन द प्रोविंस, देन यू नो द काउंटर वुड बी एन अपॉइंटमेंट बाय अब्दुल्ला एंड दे वुड नॉट वर्क टुगेदर. अभी वो जो स्टेट एक, यू नो, काउंसिल भी है, वो भी अभी तक नहीं बनी. So, जो मुझे अंदाजा है, I think it's this that, you know, there's a very small window of opportunity. बहुत कम time रह गया है. And in my limited understanding, it would be कि President Biden कहेगा कि भई, get your act together, try and form a consensus and push for some sort of talks in Doha. Because unified stance तो है ही नहीं. President Ghani कुछ और कहता है. And अगर आपने देखा है, Abdullah Abdullah, who heads the Council of National Reconciliation, has not been able to really move forward on that. Nothing at all. जी, nothing at all. Right. तो इसमें इसमें जो भी आप situation, हम किसी को, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई, you don't have to be an intellectual to find everything clear. इसमें जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें जो मुझे लगता है कि जो meeting होगी, इसमें सिवाय पाकिस्तान बैशिंग के जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान जो है, आज भी मैं एक मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो देख रहा था, अफगान मीडिया ने कोट किया है कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलप्ड अफगानिस्तान नहीं अफोर्ड करता, पाकिस्तान नहीं चाहता कि डेवलप्ड अफगानिस्तान हो. तो मैं तो कह रहा था कि भाई आई विश के डेवलप्ड हो अफगानिस्तान, हम तो चाहते हैं कि डेवलप हो, लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने भी इसी तरह की पेश की जाएंगी, पाकिस्तान बैशिंग के हवाले से, स्केपगोटिंग के हवाले से. Isra, to be very honest with you, I'm not surprised and it's not something new. Ye to hamesha se, if you look at the history, particularly the recent history, post 2001, anything that goes wrong in Afghanistan, the easiest scapegoat is Pakistan. Pakistan bashing is the new norm, you know, it's something that sells very well amongst the political elites in Afghanistan, which is far from the truth. Dekhe, main hamesha se mera ye stance raha hai ki Pakistan, yes, has a lot to answer for, like other regional countries. A lot of countries have made strategic mistakes. But the fact is that you cannot pin the responsibility of anything and everything that happens in Afghanistan on Pakistan. It's naive, it's unhelpful, it's counterproductive for the relationship. Because dekhe, Afghanistan cannot work in isolation. Theek hai, you put all the blame on Pakistan, but what next? You have to live with Pakistan. The bulk of your citizens depend on Pakistan, whether it's for trade, whether it's for connectivity, whether it's for movement. So at the end of the day, the common man suffers. And ek taraf to wo, yes, main bar bar ye bhi kehti hu ki Afghanistan ka stance to bahut contradictory raha hai. Ek taraf wo kehte hain ki yes, you know, Pakistan has a good relationship with the Taliban, please bring the Taliban to the negotiating table. Jab hum unko leke aate hain, then the Afghan say ki no, provide them with safe haven. So you can't have, you know, both things. Ye contradictory stance will not work. And to be very lekin honest, aapne common man ki baat ki, mujhe bataye Amna ke, do they really care about the common man, common Afghan? Oh. Clearly, the Afghan leadership doesn't, because it's very unfortunate ke if you know, there is, God forbid, a civil war, which we do see the signs in the making,
these political elites will very conveniently, you know, leave for their host countries abroad. And again, it is the region, and more specifically Pakistan, followed by Iran, that will follow. But please let me just add to that one point of, you know, what Kabul keeps on doing. Dekhi ji, at the end of the day, Kabul, yes, blames Pakistan, and as I said, Americans believe it's very convenient. Khud to the onus on the Americans has, you know, very conveniently the Americans have pushed all the onus on regional countries and Pakistan to deliver. Ab aap mujhe khud bataye, it is common sense, and you don't need an academic to tell you this, that with more than 140,000 US NATO troops, you were not able to curb or limit the Taliban. How do you expect Pakistan to do that with Pakistan's limitations? At the same time, Pakistan, you expect Pakistan to do that, which it can't. You blame Pakistan, lekin abhi the consensus, agar abhi aap dekh le President Ghani ki bhi statement thi, kal there was a big conference, the Doha Institute had arranged it, and I was also one of the panelists, but he also gave a speech. And the Afghans now want Pakistan to play a more proactive regional role. Conveniently, sara kuch aap Pakistan ke upar dalte, I think that is wrong. Pakistan should support the process to the extent it can. Beshak China should be that regional factor, but Pakistan is damned if it does, and it's damned if it doesn't. So I think let the Afghans, we have suffered enough, you know, we've tried our best, we've put pressure on the Taliban publicly and privately, but dekhiye, at the end of the day, masla kya hai, it's not about Pakistan. The fact that the Taliban and Kabul cannot sit together, they have been sitting together, but they haven't been able to move forward on one single issue. Wo hamara, it's not our responsibility. It's the divisions within the Afghans, and they have to take ownership, as unfortunate as it may be. अच्छा, एक बहुत ही जो भी बल्कि ट्रेंड भी चल रहा था, हैशटैग भी चल रहा था, एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से कैटेगोरिकली कह दिया और अनइक्विवोकली कह दिया, मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान को तो ये बल्कि खुश होना चाहिए कि कोई बंदा बाहर से बैठे हुआ जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, और अफगानिस्तान को ये चाह रहा है कि वो किसी और जगह से उनके ऊपर अटैक ना हो, तो हु इज फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान? तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर होना चाहिए था, और इसको बल्कि उधर से वेलकम किया जाना चाहिए था, लेकिन वो कंडेम कर रहे हैं उसको। देखिए, द पॉइंट इज अगेन, अफगानिस्तान, वो यू नो प्रेसिडेंट गनी इज इन अ वेरी वेरी क्या कहते हैं, डिफिकल्ट पोजीशन, एंड आई अंडरस्टैंड, यू नो, ही इज गॉट प्रेशर, ही इज बीन अबैंडनड बाय द अमेरिकंस, द फैक्ट दैट दे साइंड एन एग्रीमेंट विद द पीपल दैट आर फाइटिंग विद एज यूजुअल exactly. Acha, not only that, President Ghani internally has lost obviously the little support that he did have, and he's clenching onto power. Wo bar bar kehta hai ki I'm here to deliver to the, you know, for the people of Afghanistan. If that is the case, and you're genuinely concerned about the future of Afghanistan, if I was in his place, you know, I would, you know, very respectfully and honorably step down and push for this interim inclusive setup. If I was really committed to peace, number one. Number two, dekhe, again, I will say ke President Ghani, it is not something new. Pakistan, no matter what it does, is wrong. I don't think it will ever be able to gain the confidence of the Afghans. It's very unfortunate. And they don't realize that at the end of the day, jaise maine pehle kaha tha, it is the common man that will suffer. And they need to keep this in mind. So, ye jo Prime Minister Imran Khan ka jo bayan tha, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, आई थिंक देखिए जी, इट इज अंडरस्टूड, वी माइट, वी जैसे पहले वी हैव प्रोवाइडेड देम विद एयर स्पेस, बट वी सर्टेनली कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अमेरिकन बेसिस ऑन आवर ग्राउंड. आई वुड से मोस्टली बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक, यू नो, रिपरकशंस दैट वी विल फेस, एंड दे हैव अदर ऑप्शंस. पहले भी तो दे वर इन किर्गिस्तान, दे हैड द मनास स्पेस. So I don't think, and I think more so, agar aap dekhe, this statement has been, there's been a lot of gossiping about it, but the Americans have not openly said that they want a base from Pakistan. And I personally feel that maybe this is an attempt by certain people in America to push the kya kehte hain, the focus away from their exit from Afghanistan, to give, you know, a little that, oh, we might be having bases in Pakistan. So basically pushing the focus away from the main issue, which is the irresponsible and haphazard withdrawal of the Americans. So because do you see any implications of that statement in near future, maybe? Well, implications in the sense that, look, to be very honest, the American administration, the leadership, has still not engaged with our prime minister. It's been at a very different level. Why not? Well, you see, I think they're
oh, they're playing their cards, that they're waiting. And again, this is what, it's a continuation of what President Trump did. Because if you remember, initially, there was no leadership level contact. It happened much later on in the relationship. So is it something like imperial hubris or something, some policy stance? No, it could be a number of things, you know, but my, the point of saying this is, I think, I hope that Prime Minister Imran Khan sticks to his stance. And I feel that there's two ways of looking at it. Some people are of the view that if we do have American presence in Pakistan, it might beef up security and prevent, God forbid, further terrorist attacks. But at the same time, it could have negative repercussions, and that is the domestic aspect. And you know that we are very sensitive when it comes to our relationship with Pakistan, particularly from certain elements, particularly the religious elements. So, and I feel that there is no need for the Americans to be on our soil. They want to monitor Afghanistan. They shouldn't leave Afghanistan unless and until there is some stability. आप छोड़ना फिर क्यों चाहते हैं? सही बात। अच्छा, एक चीज मैंने बड़ी नोट की कि जस्ट बिफोर लीविंग फॉर द यूएस, प्रेसिडेंट गनी ने एक बहुत बड़ा शेकअप किया, रिशफल किया पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो थे, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, आर्मी चीफ भी, सब कुछ चेंज कर दिया। इसकी क्या वजह थी? व्हाट नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को ले आए? देखिए जी, ही इज, आई डोंट वांट टू साउंड, I think it is his last attempts at you know, trying to cling on and to show the Americans that, look, I am, you know, I am the commander. I'm in control. I'm the legitimate head of the state. And yes, you're right, I am in control. And let the Taliban come, we will be able to deal with them, which they can't. Because the Afghan National Security Forces, unka desertion rate, aap dekh le, it's way above 40%. A lot of them are surrendering. But he is trying to prove or to show that, you know, please have faith in me. I will continue to rule Afghanistan, because we are now in a position to rule Afghanistan. But that's not true, because they depend so much on the international community, particularly the Americans. Jo mujhe sense hai ke, I think maybe the Biden administration might very well tell President Ghani to step down and push for this inclusive interim setup, because that's the only logical solution. आपको पता है कि ऑल द पॉलिटिकल फैक्शंस, द डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस मॉस्को में इन 2018 एंड 2019 दे अग्रीड विद द तालिबान दैट दे वर ओपन टू एन इंक्लूसिव सेटअप, और इसमें हामिद कारजाई का नाम बहुत अभी आगे आ रहा है. सो यू नो, इट रिमेन्स टू बी सीन, बट अगेन एज आई कीप ऑन सेइंग, द सिचुएशन इज सो फ्रैजाइल एंड इट्स सो कॉम्प्लेक्स एंड एवरी डे इट्स चेंजिंग. लेकिन हम ना, हामिद करजई तो मैंने देखा लेटली ही इज बीन क्रिटिसाइजिंग द यूएस. नो, या बट दैट्स नॉट समथिंग न्यू. अगर आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मोहेल अनफॉर्चूनेटली बीन वेरी क्रिटिकल, आई थिंक इज एन अंडरस्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट्स हैव बीन वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ नेशनल स्ट्रेटजी एडवाइजर. उन्होंने अमेरिकन के साथ भी तो डील किया था. सो दिस इज, यू सी अगेन, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग. Because this is what the Afghans do. They will either blame Pakistan, or very recently they've started also putting the blame on the Americans. But when the Americans engage with them, their whole, you know, mantra then changes. Right. Karzai has always said, now recently unki jo statement hai, now the onus is again now on the Americans. Kini, the Americans are responsible. Mera khayal hai ki the Afghans have mastered the art of dealing with the US. Unko pata chal gaya ki. I think the Taliban have mastered that art of dealing with the Americans. I agree with you. I agree. और दूसरा ये मुझे बताएं, अभी आपने बात की कि प्रेसिडेंट गनी को हो सकता है वो कहेंगे स्टेप डाउन कर दें. अगर वो स्टेप डाउन कर देंगे तो इतने इजीली तो नहीं कोई ना कोई क्विड प्रो को तो वो मांगेंगे ना उनसे. देखिए जी, वो बार बार कह रहे हैं कि आई एम ओपन टू एन इंक्लूसिव इंटरिम सेटअप, लेकिन आई वॉन्ट टू बी द हेड, द टिटुलर हेड ऑफ दैट सेटअप. The Taliban are not willing to accept it. Or sirf Taliban nahi, aapko pata hai jo baki political factions hai, wo bhi they're not willing to work under Ghani. So I just personally feel that if you truly are committed to peace, I think the most honorable thing would be to step down and push for the interim setup. Your name will go down in history as someone who actually did play a role for the, you know, future of Afghanistan. Amna, who cares about the history and common people? You see, ye to wishful thinking hai hamari. नहीं, विशफुल नहीं है, बट देखिए, ही इज गॉट लिमिटेड ऑप्शंस. इससे बेहतर नहीं है कि वो रिस्पेक्टफुली ही स्टेप्स डाउन, अनलेस ही इज पुश्ड आउट ऑफ पावर और थ्रोन आउट ऑफ पावर बाय द अमेरिकंस.
and you see, this is a thing, because a lot of Afghans have been coming to Pakistan. There have been a number of bilaterals and trilateral initiatives, and through our interactions, they keep on saying this thing that we are willing to work with the Taliban, ye jo baki political setups hai, but we will not work under President Ghani. Masla ye hai. And right now, the biggest hurdle is Ghani. Yes, the Taliban are also creating hurdles, chahe wo violence kam nahi kar rahe, but regarding the future political setup, it is unfortunately the Ghani regime. Achha, ek aur important development jo aaj 23rd ko honi hai, और वो है दुशंबे ताजिकिस्तान में एनएसएस की मीटिंग, जो कि एससीओ के जो एनएसएस हैं वो हो रही है, उसमें क्या क्या आप एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं? उसमें हो सकता है कि अजीत डोवल और हमारे एनएसए की भी मुलाकात हो जाए, डू यू सी दिस हैपनिंग? देखिए, अगर मुलाकात हो भी जाए, आई थिंक राइट नाउ अगेन ऑल द फोकस इज ऑन अफगानिस्तान और रीजनल, लेकिन टॉक अबाउट अफगानिस्तान टू. Yeah, of course they will talk, but you know, I think right now, if you're talking or you're giving a reference to the relationship with India, I think that's on the back burner for now. Even the Indians right now are focusing, I think, so personally on Afghanistan, the situation and what is going to happen. The Indians are also very concerned, and I'm sure you must have read that report where the Indians have engaged with the Taliban recently in Doha. So I think this is the focus right now. And agar wo milenge bhi, I think it will be a very symbolic kya kehte hain meeting, nothing more than that, because right now the relationship with India, you know, is on completely on a downward trajectory, and unfortunately I feel that either we're not really giving that importance to the Kashmir issue as we should be doing, and to be very honest, nobody's really concerned. The international community does not care. Your Muslim Ummah doesn't really mention Kashmir as well. Right. Ek Pakistan akele mein baar baar keh raha hai, but really nobody is listening. So I think the focus right now is Afghanistan for sure, and the repercussions that will come out of it. Theek hai. Acha, coming back to the tweet by Senator Lindsey Graham, wo kitna important hai? Aap samajhti hain ki usko seriously ab American administration dekhegi ki bhai ek banda itna important aadmi keh raha hai? तो एटलीस्ट वी शुड टॉक टू द पाकिस्तानीज, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें पाकिस्तान ऑन बोर्ड ही नहीं है. तो आप यूनिलैटरली आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, आपने पुल आउट भी कर लिया, सब कुछ भी कर लिया, और कोई इस तरह के चांस आपको नजर आते हैं कि वो अब दोबारा शायद रिविजिट करें? क्योंकि मुझे ये लग रहा है, देखिए, जॉन कर्बी ने पेंटागन में ये बयान दिया है कि हम हो सकता है सोच रहे हैं कि इसको स्लो डाउन कर दिया जाए पुल आउट को. देखिए, पेंटागन जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज अगेन है, दैट दे हैव बीन एडमेंट एंड दे डोंट वांट दिस वेरी स्विफ्ट जो विड्रॉल हो रही है, बिकॉज यू सी देर आर साइंस दैट द अमेरिकन्स विल हैव टू कम बैक, बिकॉज यू ऑलरेडी सीइंग अगेन. देखिए, अगर सिविल प्रॉब्लम ये है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी और मोर सो द अमेरिकन्स, दे फील दैट नाउ अफगानिस्तान इज अ रीजनल प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट. इट हैज ऑलवेज हैड द सीड्स of a global international problem, and it will come back to the Americans in one form or the other, and this is what they don't seem to understand. They keep on justifying, they say we got Osama bin Laden, and our you know the main thing that we wanted to achieve in Afghanistan we have achieved, but not at all. Afghanistan is basically a hotbed. It is just waiting to erupt. You leave it at this stage, there's going to be transnational terrorist networks. The ISKP is already there, and yes, right now ISKP is a regional threat, but main bar bar kehti hu, it has the seeds of a global, you know, kya kehte hain, issue that will come back to haunt the Americans, number one. Number two, ye jo abhi statement aap jiski baat kar rahe, this again is not the first time. Please go back to when Hillary Clinton made the same statement and similar to it, and when she said that, you know, we left the Pakistanis in a lurch after the Soviet withdrawal and blah blah blah. This is not something new, but are the Americans interested? Do the Americans even care? This is an important question. They care. After 20 years, it's been an exercise in futility. Wohi Taliban that they refused to talk to, that they refused to recognize, unhi ko aapne legitimize kiya. The same, you wanted to bring stability, you wanted to liberate Afghanistan. Aap please mujhe batai, where is the liberation? Sirf Kabul city center mein aap thoda bahut you can see development, uske alawa kya hai? So again, they took this decision. It was a unilateral decision the Americans took. Aapko pata hai, the region was never for American presence, lekin abhi jitne bhi regional countries hai including Pakistan kya keh rahe, ek hi sentence, do not leave in a haphazard hasty manner.
measured withdrawal honi chahiye jab tak step sort hum ye bhi nahi keh rahe ki aap afghanistan ko you know make it into utopian state no but koi structure of governance to ho but they're not interested so they didn't consult pakistan and frankly they don't feel they need to consult pakistan because it's a unilateral decision ji please go ahead me and I feel again you know that is why I feel that pakistan should you know completely withdraw and put the onus on the americans that you are the ones that signed the agreement you have a responsibility aur aapko main ye bhi bataun ki regional countries ye bar bar keh rahe na ki regional consensus regional ownership beshak wo hai each regional country will provide political economic developmental assistance nobody is going to step in when it comes to military or security nobody is willing to pick up the mess of the americans aur dusra har regional country abhi kya taiyari ho rahi hai how do I protect myself from the consequences of the afghan us pullout whether it's china whether it's russia whether it's pakistan whether it's iran ya central asians everybody is now trying to secure itself from whatever is going to happen in afghanistan to isme ye bhi cheez ho sakti hai ki jaisa balkanization ka bhi kuch log keh rahe hain ki ho sakta hai ki afghanistan ko teen char hisson mein taqseem kar diya jaye pashtuns ka northern us sara alag se aur baki cheeze ye bhi kuch hai iska chance ये बात चल रही है बट पहले से कब से अफगानिस्तान यूनिफाइड स्टेट था और कब से पहले यूनिफाइड गवर्नेंस चलती थी डे वन से हर बंदा अपना पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं लुक आफ्टर कर रहा है या वो वॉरलॉर्ड हो जो दे डोंट लाइक टू यूज द टर्म या इट्स अ रीजनल क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर जो भी है सो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस हमेशा से इस तरह चलता रहा है अच्छा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है काबुल एयरपोर्ट और उसके ऊपर टर्की ने भी ये कहा कि जनाब हंगरी और पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या पाकिस्तान को फिजिकली जाके वहां पे इस तरह का काम करना चाहिए या टर्की को भी समझाना चाहिए कि जनाब नेटो जब जा रहा है तो आपका भी यहाँ पे ताल्लुक नहीं है क्योंकि तालिबान ने तो साफ कह दिया कि हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे तो व्हाट शुड पाकिस्तान डू अबाउट इट तालिबान सेड इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्की बीइंग अ पार्ट ऑफ नेटो Remember, Taliban ने ये भी कहा है कि they will be open to some sort of Turkish presence, but on a bilateral term, meaning bilateral relationship between the Taliban and the Turks. Now, मुझे ये बताएं कि अगर ये option चल भी रहा है, who is on whose behest is Pakistan going to station its troops there? This is a major question: on President Ghani's or on the Taliban's? Right now, again, Pakistan has to, I feel, step back. बेशक रीजनल कंट्रीज चाइना या टर्की इफ दे स्टेप फॉरवर्ड एंड दे फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ यू नो कोएलिशन विद रीजनल कंट्रीज फिर पाकिस्तान कैन कंट्रीब्यूट बट वो भी फिर सोचने की बात है एंड दिस शुड गो टू पार्लियामेंट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दूसरा आई डोंट सी दिस हैपनिंग एंड आई थिंक द टर्क्स ऑल्सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी बहुत कुछ कहता जा रहा है बट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन पोस्ट यूएस विथड्रॉल टर्क्स जाएंगे तो किनके कहने पे जाएंगे और किनके साथ अग्रीमेंट करेंगे पैरेलल गवर्नमेंट्स होंगी यू नो हु विल यू डू इट विद द तालिबान और प्रेसिडेंट खानी सो आई थिंक पाकिस्तान अगेन आई कीप ऑन सेइंग वी हैव ट्राई टू डू व्हाट वी कैन ऑलरेडी हमारे ऊपर इतना ब्लेम है यू नो आई कीप ऑन सेइंग यू नो वो जो हिस्टोरिकल बैगेज इतना है कि नो मैटर व्हाट पाकिस्तान ट्राइज टू डू इट डज नॉट सेल वेल इन अमेरिका सॉरी इन अफगानिस्तान देयरफॉर वी विल सपोर्ट इट जितना हम कर सकते बाकी वी नीड टू थिंक अबाउट आवर बॉर्डर्स एंड सिक्योरिंग आवरसेल्फ और हमें अपने ट्रूप्स कम से कम ऑन ग्राउंड नहीं भेजने चाहिए वो नहीं जी नॉट राइट नाउ नॉट एट ऑल एंड अगर करेंगे भी एज आई सेड बेशक लेट टर्की बी दैट यू नो मेन क्या कहते हैं रीजनल क्या कहते हैं लीडर एंड उसके साथ इफ अदर कंट्रीज डू इट देन ऑफ कोर्स वी विल देखिए हमने तो अफगानियों को कितनी दफा कहा है कि यू नो यू कम एंड यू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम पाकिस्तान दैट नॉट दे नॉट विलिंग टू टेक दैट अप सो व्हाई शुड वी लूज मोर लाइव्स अननेसेसरीली इट्स सम वेरी क्रूड ऑफ मी आई एम सॉरी यू नो बट राइट नाउ इट इज ईच कंट्री फॉर इटसेल्फ एंड आई थिंक वी नीड टू सिक्योर आवरसेल्व्स बिल्कुल सही बात है अच्छा ऑन ग्राउंड सिचुएशन की आपने थोड़ा सा जरा बात की थी उसमें मैंने देखा कि आज भी जो अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्होंने ले लिए हैं उनसे और इस तरह अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि ये तो हार्डली महीने डेढ़ महीने की बात है तो आज भी उन्होंने जो ये जो स्ट्रेटेजिक बड़ा बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था शेर खान पोर्ट वाला जो कि नॉर्थ में है और विच कनेक्ट्स अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो भी उन्होंने ले लिया है ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है दूसरी तरफ अफगान मीडिया जो है वो ट्रोग्लोडाइटिक वॉर मॉन्गरिंग तालिबान के लफ्ज जो है वो यूज कर रहा है आपको पता है ये कितना
नेगेटिव वर्ड है, ब्रूटिश, रिएक्शनरी, प्रिमिटिव, केव ड्वेलर टाइप के लोगों को वो बता रहे हैं दुनिया को कि ये इस तरह के लोग हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे ये रिकनसाइल करेंगे अगर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो ये लोग जो हैं इनका क्या बनेगा? देखिए, वो अफगान मीडिया जो भी कहे, एंड मे दे मे यूज प्रिमिटिव टर्म्स, बट इट्स द सेम ग्रुप दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। कौन सा इंटरनेशनल मुल्क है जो तालिबान के साथ इंटरेक्शन नहीं की? Germany, Norway, Qatar, I'm just giving you an example, the Brits, the Canadians, so whatever the, you know, local media wants to take and say. Dekhiye ji, right now I think it is so important, jo ek important factor hamesha se has been missing from the Afghan equation, that has been national and social integration, jo nahi rahi. Ye sara jo, if you see, what is now the biggest hurdle to the peace process, ya the reconciliation, it is national divisions within Afghanistan. The Afghans right now have never accepted the Taliban as a part of them. Taliban kaun hai? Afghans hai na at the end of the day. Aur dekhe, by force aap bahut kuch kar sakte hai, lekin agar aapke paas local support nahi hoti, you cannot come. And the Afghan people have always supported the Afghan Taliban for whatever reason. Maybe not because of their policies regarding Islam, but at least they brought some sort of stability. Ladai to nahi thi na, bloodshed aur khoon to nahi tha na. सो इनका क्या होगा? देखिए, आप खुद देख लें, इट इज़ वेरी अपसेटिंग, बट जो इंटरप्रेटर्स थे जिन्हें अपनी लाइफ और फैमिलीज के लाइफ्स दे हैड पुट एट रिस्क टू अर्न मनी फ्रॉम द अमेरिकन्स, उनको अभी नोबडी इज बॉदर्ड इवन अबाउट देम, ऑल्दो दे वर प्रॉमिस्ड कि आपको वीजा देंगे, आपको रिलोकेट करेंगे। द फैक्ट दैट देखिए द अमेरिकन्स हैव लेफ्ट, इनने तो ट्रंप से भी ज्यादा, नोबडी एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, everybody thought that there will be a review process and he will think about it and it will be measured, unne to he has gone two steps forward. So even jo military hai, agar military ko jis tarah unhone dekha na pichle 20 saal se itna paisa lagaya usme sink in kiya pata nahi kya kya kiya aur wo sare ki sari military ye hai ki wo collapse kar gayi hai, sare ka sara setup jo hai wo resist nahi kar rahe hain. Abhi aap dekhen kal parson unhone unke commandos maar diye, sara kuch kar diya, wo to resist hi nahi kar rahe. Nahi ji, wo kar bhi nahi sakte. Dekhiye, aapne ये तो हम सुनते रह रहे हैं ना, बट फ्रॉम 2001 आर्मी तो नहीं थी. आर्मी इज अ वेरी न्यू फिनोमेना एंड दिस इज पोस्ट 2014 व्हेन ओबामा इनिशियली डिसाइडेड दैट क्विक एग्जिट एंड देन अगेन ही केम बैक. सो इट यू कैन नॉट फॉर्म एन आर्मी विद इन यू नो अ डे और टू. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस और 20 सालों में अफगानिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन भी नहीं बनी. आप देख ले, वेदर यू लुक एट द जुडिशरी, वेदर यू लुक एट द आर्मी, लुक एट द पुलिस, nothing, security institutions to bani nahi gaye. Aap thodi bahut training dekhe, you can't expect to build an army overnight or for that matter a police or security force. To fir humne ye itna jo inhone trillion dollars jo hai wo idhar phenke hain, to ye jo log uske beneficiaries the unhone sirf corruption hi ki hai, unhone khaya piya aur kuch bhi nahi kiya. Dekhe ji, aapke paas you have so many international reports starting from the UN to kya kehte human rights watch and what not, they say the money has been squandered. Money was given, most of it went back to kya kehte hai, you know, American institutions or private organizations. So the money's been wasted and there's nothing to see on the ground. Main to keh rahi hu aapko, you all you can see is Kabul city and usme aap thoda bahut development dekh sakte hain, beyond that there's nothing. Chalein hum iske upar inshallah rabta rakhenge aapse aur aapse poochte rahenge. Humne aapka bahut bahut shukriya. Thank you very much. और विश अफगानिस्तान क्वाइट वेल, क्योंकि हम तो समझते हैं कि हम लोग तो होप भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अफगानिस्तान के मामला ठीक हो और हमारे लिए भी उसकी अच्छी खबरें आए. आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा जी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. अस्सलाम वालेकुम. हम सब का है.